आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में मिलने की आशा है। और इसे हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, तीन क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है। पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। माना तीन धन पूर्णांक क्रमशः यस कामा यस प्लस वन कामा यस प्लस टू है। मान लीजिए तीनों का धन पूर्णांक, पहले यस मानेंगे, दूसरा क्या आएगा यस प्लस वन, तीसरा क्या आएगा यस प्लस टू, क्योंकि क्रमागत प्राप्त करना है क्रम से। जैसे पहली संख्या एक हुई, दूसरी क्या होगी एक में एक जोड़ेंगे, एक एक दो, तीसरी क्या होगी दो प्लस एक तीन, एक दो तीन। इसी प्रकार से पहला यस मानेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन, तीसरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू, ऐसे चौथा निकालना एक्स प्लस थ्री, पांचवा निकालना है तो एक्स प्लस फोर, ऐसे सो इसी प्रकार से हम लिखते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं उसी में। तो तीन पूर्णांक हो गया एक। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रथम पूर्णांक के वर्ग, प्रथम पूर्णांक क्या है यक्ष है, इसका वर्ग यक्ष स्क्वायर, दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है। दूसरा क्या है यक्ष प्लस वन, इसका योगफल मतलब जोड़ा जाएगा, इसका गुणनफल निकालेंगे दूसरे और तीसरे का, यक्ष प्लस वन मुड़े यक्ष प्लस टू बराबर क्या दिया है, इसका योगफल कितना दिया है 191, इसका और इसका गुणनफल और पहले के वर्ग का योगफल क्या है 191 आ रखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक बार एक्स से गुणा कराएंगे एक्स में, इसी एक्स से एक बार दो में, तो यस एक्स से एक्स में कराएंगे, यहां एक्स प्लस वन है, यक्ष से यक्ष में कराएंगे यक्ष स्क्वायर, फिर यक्ष का गुणा दो में कराएंगे प्लस दो यक्ष, अब एक से गुणा एक बार यक्ष में, एक से कराएंगे यक्ष हो जाएगा प्लस एक से दो में गुणा कराएंगे तो दो एक कम दो हो जाएगा बराबर 191। अब इसको जोड़ेंगे, समान चीज जुड़ते हैं तो वन एक्स स्क्वायर यहां, वन एक्स स्क्वायर यहां, वन टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और वन एक्स टू और थ्री, थ्री एक्स प्लस टू बराबर 191। 191 को हम इधर लाएंगे, यहां हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, यहां प्लस से इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 191 बराबर क्या बचेगा जीरो। अब यहां दो एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स, 191 से हम दो घटाएंगे, विपरीत चिन्ह घटते हैं, माइनस में से घटेगा तो माइनस में सो रहेगा, 11 में से दो गया 9, कितना बचेगा यहां 189 बराबर क्या बचेगा जीरो, अब बराबर जीरो बचेगा। अब यहां हम क्या करते हैं 189 और दो का गुणा कराते हैं, 189 और 2 का, तो 189 गुणे 2 दोनों 18 क्या हासिल है 2 और 16 16 17 के साथ हासिल है 2 एक कम 2 एक 3 माइनस 378 आ रहा है, गुणनफल क्या है माइनस 378। तो दो संख्याओं को इसी गुणनफल में से दो संख्याओं को इस प्रकार ढूंढना है कि उनका गुणा कराने पर क्या है माइनस 378 आए, जोड़ या घटा दे क्या है 3 आए,
तो अब इसका गुणनखंड कराते हैं 378 का, दो से काटेंगे पहले से, दो एक कम दो एक, दो और सोलह एक, दोनों 18, फिर ये कटेगा तीन से, तीन छह 18, तीन त्रिक 9, अभी कटेगा इससे 7, 3 से भी कट जाएगा, तीन दूनी छह, तीन एक कम तीन, फिर तीन से काटेंगे, तीन सत्ते 21, इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसी में हम सेटअप करते हैं कि दो संख्या जोड़ते हैं कि उनका गुणनफल क्या है, 378 है, जोड़े घटाए क्या है, 3 आएगी। यहां देख लेते हैं, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 7 त्रिक 21, 21 में से अगर 18 घटाए तो क्या आएगा, 11 से 8 में 3, 3 आ जाएगा। और 21 और 18 गुणा कराएंगे तो 18 कम 18 क्या 88 है, 18 में 36, 36 से 37 आ जाएगा 378। तो संख्या है 21 और 18, तो हम क्या क्या सेट किए हैं, 2 तिहाई 6 क्षेत्र 18, इसको इसको लिए इधर 321 लिए, दो पार्ट बांट दिए, अब हमें दो संख्या मिल गई 18 और 21, 21 में से 18 घटाएंगे क्या आएगा, 3 आएगा, और 21 और 18 गुणा करेंगे क्या आएगा, 378 आ जाएगा। यहां 2x² प्लस 21 माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 189 बराबर 0, इसको और सरल करेंगे, 2x² प्लस 21x माइनस 18x माइनस 189 बराबर 0, इसे कॉमन लेंगे हम, यहां इन दोनों में कॉमन तो कुछ बनेगा नहीं, केवल x है कॉमन, x कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या 2x प्लस 21, और इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन यहां कॉमन हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 9 से भी कट जाएगा, 9 दूनी 18 9 कम 9, तो यहां माइनस 9 कॉमन लेते हैं, माइनस 9 9 दूनी 18 2x माइनस कॉमन लिया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9 दूनी 18 और 9 कम 9 30 आ जाएगा बराबर 0। अब इसको यहां सॉल्व कर देते हैं हम, यहां इन दोनों में कॉमन क्या है 2x प्लस 21, तो 2x प्लस 21 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x माइनस 9, x माइनस 9 बराबर 0। अब एक बार 2x प्लस 21 की बराबर 0 से कराएंगे, यदि 2x प्लस 21 बराबर 0, 2x यहां रोकेंगे, 2x बराबर प्लस 21 से उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 21, यहां x रोकेंगे, यहां गुणे में है तो कहा जाएगा भाग में, माइनस 21 बटे 2, इसको अमान्य मानेंगे क्योंकि ये धन पूर्णांक है इसलिए अमान्य है। अब फिर से एक बार x माइनस 9 की बराबरी कराएंगे 0 से, यदि x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 9, ये हमारा आंसर है, x बराबर 9, पहली संख्या क्या होगी हमारी x, x बराबर 9 आ गया पहला धन पूर्णांक। अब यहां देखिए हम यहां बिठा देते हैं इसको, पहला धन पूर्णांक आ गया, पहला आ गया हमारा, पहला क्या मान थे x, x बराबर कितना है 9, दूसरा धन पूर्णांक क्या है x प्लस 1, x प्लस 1 यहां मान रखेंगे x बराबर 9, 9 प्लस 1 9 1 10, दूसरा मिल गया हमें 10, और तीसरा, तीसरा क्या मान रहे हैं हम x प्लस 2, x प्लस 2 यहां x मान रखेंगे, इस बराबर क्या है 9, 9 प्लस 2 9 2 11, इस प्रकार हमारा पहला दूसरा तीसरा 9 10 11 ये तीनों आंसर हैं। स्टूडेंट्स यदि आप वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कमेंट और लाइक करें और हमारे चैनल की प्रो क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।